हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल जब हमने 17 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया। आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे मनमोहन महापात्रा। मैंने आपको बताया था ना, ये एक उड़िया फिल्मकार थे। बी ऑप्शन आपका सही है, बहुत ही फेमस फिल्मकार थे। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। वहाँ से आप लोग आसानी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उस देश का नाम है जापान। ए ऑप्शन आपका सही है, भारत और जापान के तट रक्षक बलों यानी कि कोस्ट गार्ड के बीच में सहयोग कैजिन अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये जो अभ्यास है ये आपको सबसे पहले तो ये पता चाहिए कि 2 साल में एक बार इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो इन दोनों देशों की जो तट रक्षक बल है उनके बीच में आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अभ्यास का नाम याद रखना है सहयोग कैजिन। और इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात आपको पता चाहिए वो है जापान के बारे में। तो जापान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एब। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जापान के बारे में जो कि आपको नोट करनी है। ठीक है, सो आज का अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक पारित किया? तो उस देश का नाम है तिब्बत। डी ऑप्शन आपका सही है, तिब्बत ने हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक पारित किया है जिसके तहत जितने भी जाति के लोग हैं सभी को एक समान माना जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और ये जो विधेयक पारित किया गया ना ये 1 मई 2020 से लागू होगा तिब्बत में। और तिब्बत आपको पता ही है चाइना में है। और तिब्बत की जो कैपिटल सिर्फ आपको याद रखनी है तो तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा। ठीक है, सिर्फ इसकी कैपिटल आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है इसकी कैपिटल आपके लिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रूस का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो रशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है मिखाइल बी मिशुतिन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, मिखाइल बी मिशुतिन को हाल ही में रशिया का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। कल मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि रशिया के जो पुराने प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था दिमित्री मेडवेडेव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम याद रखना है मिखाइल बी मिशुतिन उनका नाम है। और इस क्वेश्चन में आपको रशिया के बारे में इंपॉर्टेंट नोट करना होगा। यहाँ पर रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेजिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी मैंने बताया, उनका नाम भी याद रखना है आपको, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और आज का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के सीएम ने 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। ए ऑप्शन आपको सही है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है विजय रूपानी उन्होंने हाल ही में 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है। और ये जो जनगणना प्रक्रिया शुरू की गई ना इसमें मोबाइल एप्स का यूज किया जाएगा जनगणना के लिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और ये जो आर्थिक जनगणना प्रक्रिया करवाई जा रही है किसके द्वारा करवाई जा रही है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी आपको नोट करना। और इस क्वेश्चन में आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि गुजरात के सीएम ने ये 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए यहाँ पर है गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर का नाम अभी बताया मैंने विजय रूपानी नाम है उनका और गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के अंदर लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182 हैं। फोक डांस है गरबा और नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें गुजरात के बारे में आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में IUCN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कि ये समझौता क्यों किया गया है।
तो अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक संरक्षण के लिए, प्राकृतिक को बचाने के लिए रेड लिस्टिंग शुरू की जा सके, इसलिए समझौता किया गया IUCN के साथ। यहाँ पर IUCN, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और उसके बाद आपको याद रखना कि IUCN की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और उसके बाद सीईओ का नाम याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सीईओ है ग्रेथेल ग्यूलर, ठीक है, इनका नाम याद रखना, यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ग्रेथेल ग्यूलर इसके सीईओ है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी नोट करना होगा, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर, और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, और गवर्नर BD मिश्रा है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा की सीट 60 है। और फोक डांस है भारदोछाम, और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जो कि नोट करना है, और IUCN इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट नोट करना है, फुल फॉर्म इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NBT के निर्देशक कौन बने? तो NBT के जो नए निर्देशक बने हैं उनका नाम है युवराज मलिक, बी ऑप्शन आपका सही है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे रीता चौधरी, रीता चौधरी की जगह लिया युवराज मलिक ने। अब यहाँ पर आपको NBT के बारे में पता होना चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट। क्या फुल फॉर्म है NBT की? नेशनल बुक ट्रस्ट। और NBT की स्थापना देखिए 1957 में हुई है, और NBT का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट है गोविंद प्रसाद शर्मा। कौन है प्रेसिडेंट? गोविंद प्रसाद शर्मा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई NBT के बारे में। और आज का अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ, बी ऑप्शन आपका सही है, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो लोन लिया जा रहा है ना, ये असम राज्य के लिए लिया जा रहा है। 88 मिलियन डॉलर का लोन लिया जा रहा है असम राज्य के लिए, ठीक है। असम में जल परिवहन परियोजना एक शुरू की गई, उस परियोजना के लिए ये लोन लिया जा रहा है विश्व बैंक से। और इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता चाहिए वो है वर्ल्ड बैंक। तो देखिए वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है उनका, तो उनका नाम है डेविड मलपस। क्या नाम है? डेविड मलपस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई वर्ल्ड बैंक के बारे में, और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि असम के लिए लोन लिया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, 19वीं SCO प्रमुख की जो बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 19वीं SCO प्रमुखों की जो बैठक है इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। ये 19वीं बैठक है, तो जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज की जाएगी, और भारत इसका मेजबान देश होगा, ठीक है। SCO की बैठक है, SCO की फुल फॉर्म आपको पता नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको बताई है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इससे पहले मैंने SCO से रिलेटेड आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि SCO ने हाल ही में हमारा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसे 8वां अजूबा बनाया है, ठीक है। SCO का 8वां अजूबा कौन सा बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी नोट करना है। और SCO की फुल फॉर्म शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1996 में इसकी स्थापना हुई है, और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चाइना के अंदर, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम याद है ना, सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई SCO के बारे में, और जो 19वीं बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है इसकी मेजबानी भारत करेगा, ये भी नोट करना है। और जो पिछला हमने करंट अफेयर पढ़ाया था कि हाल ही में SCO का जो 8वां अजूबा बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंथन का जो पहला संस्करण है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो कृषि मंथन का जो पहला संस्करण है इसे गुजरात में शुरू किया गया, सी ऑप्शन आपका सही है। गुजरात के अंदर कहाँ? तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में इस संस्करण को शुरू किया गया, कृषि मंथन का पहला संस्करण है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये एक बात नोट करनी होगी कि ये जो संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया कृषि मंथन का, ये एशिया का सबसे बड़ा खाद्य, कृषि व्यापार और ग्रामीण विकास सम्मेलन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसका पहला संस्करण है, ठीक है। और गुजरात के बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विज्ञान समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो विज्ञान समागम का जो आयोजन है ये न्यू दिल्ली में किया गया, ए ऑप्शन आपका सही है।
किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के द्वारा इस विज्ञान समागम को ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के द्वारा। और इसको मैं आपको बता दूं कि ये 20 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ये भी नोट करना है। और दिल्ली के बारे में हमेशा एक बात आपको बता दूं कि उनके सीएम का नाम याद रखना, तो सीएम है अरविंद केजरीवाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दिल्ली के बारे में। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर यानी कि 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे IUPAC ब्यूरो का सदस्य चुना गया। इन चार ऑप्शन में से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हमें कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।